इस पर तवज्जो नहीं होती। मजलिस इंकलाब बर्पा करती है, हर मजलिस में कोई ना कोई इंसान हुर बन के उठता है, मजलिसें हुर बनाती हैं इंसानों को, मजलिसें दायब कर देती हैं, मजलिसें हमारे अंदर इंकलाब बर्पा कर देती है, हमारी सोच बदल जाती है। अगर ना बदले तो फिर किस काम की मजलिस, सोच ना बदले हमारी, सोचने का ढंग ना बदले, हमारे अमल में तब्दीली ना आए, हमारी रफ्तार और हमारी गुफ्तार में कोई चेंजेस ना आए, तो फिर इन मजलिसों का फायदा क्या है। दो तरह के तबरुक होते हैं मजलिस में, एक पेट पूजा के लिए जो खाने मिलते हैं वो है, और दूसरे वो खुराक रूहानी और मानवी मिलती है यहां से, कि जिसको जो खाएगा वो यकीनन मजलिस के बाद अपने अंदर चेंजेस महसूस करेगा, और वो रूहानी खुराक इल्म है, मारिफत है, पैगाम, उसकी गहराई, सोच के बदलने के लिए बेहतरीन नुस्खे जो हुसैन मजलूम ने दिए हैं, खैर की तरफ हुसैन ने जिस तरह से बुलाया किसी ने आज तक उस तरह नहीं बुलाया। तमाम अनबिया ने खैर की दावत दी है लेकिन किसी ने हुसैन जैसी दावत नहीं दी, कि जो चाहता हो कि अपनी जान का नजराना अल्लाह की राह में खुशी के साथ दे वो मेरे साथ चले, किस तरह की दावत है ये। हुसैन दावत देते हुए भी अपने आप को इस कदर बेनियाज साबित करता है और अपनी बेनियाजी का बार बार मुजाहरा करता है कि मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ कौन आ रहा है, कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, मुझे इस काम को अंजाम देना है, और जो इस अज़्म इरादे का मालिक हो वो मेरे साथ चले, इसी अज़्म इरादे का मालिक हो। कर्बला की जो दास्तान है उसके दो पहलू हैं, दो रुख हैं। There are two faces of the incident of Karbala, the tragedy of Karbala. एक बहुत सियाह, बहुत ही डार्क, और दूसरा फेस बहुत ही ब्राइट, बहुत ही सफेद, बहुत ही नूरानी। एक फेस जुल्म बर्बरियत का, तशद्दुद का, सितम का, गैर इंसानी हरकतों का, जो फेस डार्क है वो ये है, जुल्म, सितम, तशद्दुद और गैर इंसानी हरकत के जो तारीख अरब में बेनजीर है, इसकी कोई नजीर इससे पहले नहीं। भूख, प्यास और मासूम बच्चों के जज्बात को कुचलना, यतीमों को तड़पा तड़पा के रुला रुला के सताना, ये एक डार्क पहलू है कर्बला का, जो सितम से, जुल्म से भरा है। जब भी कभी हम इस डार्क पहलू की तरफ देखते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये नोहा उसी का नतीजा है, ये मरसिया उसी का नतीजा है, ये आओबुका उसी का नतीजा है, ये गिरिया व मातम उसी का नतीजा है। और इसमें यजीदी फौज पेश पेश है ना, एक तरफ जुल्म और सितम का बाजार जो गर्म किए हुए ये यजीदी फौज है, इसके मुकाबले में एक ब्राइट और नूरानी फेस कर्बला की दास्तान में है, और वो है अज़्म का, वो है इरादे का, वो है इस्तेकामत का, वो है सब्र का, वो है अल्लाह सुभान तआला की इबादत के सही मफहूम को उजागर करने का, वो बंदगी के अजीम जौहर, वो अजीम बंदगी के गौहर जिसे कर्बला में हुसैन ने पेश किए, उस ब्राइट
अनफॉर्चुनेटली बहुत कम तवज्जो दी गई। जुल्म का तो नौ में तस्करा होता है, मर्सिये में तस्करा होता है, मजलिसों में मसाहिब में जुल्म की बात होती है कि क्या जुल्म हुआ। मातम और गिरिये के लिए मर्सिये होते हैं, लेकिन जो प्राइड फेस कर्बला में है कि जिससे इंसानों की तकदीरें बदल सकती हैं, इंसानों की फ्यूचर बदल जाते हैं, इंसानों की नस्लों में तब्दीली आ सकती है, इंसानों के अंदर इंकलाब पैदा हो सकते हैं, इंसान एक कामयाब रूए जमीन पर आजाद बन कर जी सकता है, उस ब्राइट फेस की तरफ कम तवज्जो दी जाती है। वो फेस, वो चेहरा जो इस कदर दरख्शां है कि हर मोड़ पर वो एक एक मजबूत पैगाम देता है। हमारे यहां जुलूस से निकलते हैं, जुलूस में भी मातम होता है और एक ही डार्क फेस को दिखाया जा रहा है, बार बार उसी एक पहलू को उजागर किया जा रहा है कि ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ, ये सितम हुआ, और सब कुछ अपनी जगह पे दुरुस्त भी है, लेकिन जुलूसों में जहां डार्क फेस को दिखाया जा रहा हो, वही हुसैन के अगर ब्राइट फेस को दिखाया जाता तो आज दुनिया कुछ और होती, मुसलमानों की हालत भी जो है वो ना होती। मजलिसों में हम जिक्र बहुत करते हैं ना जुल्म का, सितम का, वाकई भी वाह, इसमें कोई शक नहीं है, यानी किसी एतबार से भी इस बात को दबाना नहीं चाहिए, जुल्म के खिलाफ ही हमें हमेशा होना चाहिए और जुल्म का तस्करा भी होना चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले में जो हुसैन ने एक ब्राइट फेस दिखाया है कर्बला के अंदर, वो दरख्शां पहलू जो कर्बला का है वो हमारे जुलूसों में नजर नहीं आता। जुलूसों में अगर कोई पूछ भी लेता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ, क्या है, तो आप कहेंगे 1400 साल पहले एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था कर्बला में। तो जो बिल्कुल आशना नहीं है हुसैन के मकसद से, उनके जहन में सवाल आता है कि ये लोग कितने कितने बैकवर्ड है, 1400 साल पहले कहीं जुल्म हुआ था और ये अपने चेस्ट को मारते हुए बाहर निकल रहे हैं, कितने ये लोग पीछे रह गए, ये बड़ी पिछड़ी हुई कौम लगती है, बहुत बैकवर्ड लगती है, जो बिल्कुल नहीं जानता है। सिर्फ जुल्म अगर आप बताएंगे कि ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ, तो आज बताएं कि क्या जुल्म उस तरह का नहीं हो रहा, अगर खाली जुल्म की बात हो। जनाबे सकीना के कान से गहवारे छीन लिए गए, गोशवारे छीन लिए गए, गोशवारे छीन लिए गए, एक जुल्म है, तमाचे लगे, एक जुल्म है, लेकिन आज गजा में नन्ने नन्ने फिलिस्तीनी बच्चों को, बच्चियों को पत्थरों से कुचला जा रहा, पत्थरों से, आज भी तो जुल्म है। आप कह नहीं, जो जुल्म वहां हुआ था, हम उस जुल्म को याद रखते हैं और इंतजार करते हैं उस पुराने जालिम के खिलाफ जो 1400 साल पहले था। तो ये जो हजम नहीं होने वाली बात है उसके लिए कि जो बिल्कुल आशना नहीं है कर्बला के बारे में। मुझे याद है कि जब, अब मैं नाम किसी शहर का नहीं लेता, जब जुलूस में मैं भी शरीक हुआ, जो तकसीम हो रहे थे ब्रोशर्स, वो एक उठा के मैंने भी पढ़ा कि इमाम हुसैन ग्रैंडसन ऑफ होली प्रॉफिट, इधर यजीद ग्रैंडसन ऑफ अबू सुफियान, इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई और यजीद शराबी था, यजीद पेट रखता था, यजीद जुआड़ी था, यजीद फासिद था, फाजिर था, और हुसैन से उसने रिकग्नाइजेशन मांगी और हुसैन ने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो उसने उनको इस तरह शहीद कर दिया, वो सारा मफहूम। अब हम अंदाजा लगाए कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं तो शायद कोई बात गलत नहीं है, लेकिन अगर गोरा कोई पढ़ता है आकर ग्रेस कहता है, अच्छा वाओ, 1400 years ago यजीद was too advanced, he used to have pets, he used to have drinks।